हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जियो पुश प्लस एप्लीकेशन से जियो का सिम एक्टिवेशन कैसे करें पहली बार। अगर दोस्तों आप पहली बार जियो का सिम एक्टिवेशन करें जियो पुश प्लस एप्लीकेशन से तो कैसे करेंगे, तो जैसे कि जियो पुश प्लस का ID पासवर्ड जियो पुश लाइट एप्लीकेशन से आपने रजिस्ट्रेशन करके खुद से सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके जियो पुश प्लस का जो ID पासवर्ड लिए हैं, तो सिम पहली बार एक्टिवेशन कैसे करेंगे। जैसे कि जियो पुश प्लस एप्लीकेशन जो कि मैं ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद जो कि यहाँ पे पासवर्ड एंटर करूंगा, करने के बाद जो कि जियो पुश प्लस एप्लीकेशन में चलिए लॉगिन कर लेते हैं सिम एक्टिवेशन करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन किया, लॉगिन करेंगे तो आप सक्सेसफुल जो कि लॉगिन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं जो कि यहाँ पर लॉगिन यहाँ पर हो रहा हूँ, यानी कि सक्सेसफुल जो कि देखिए यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। होने के बाद जो कि 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, जैसे 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर जो कि फंक्शन ओपन हो जाएगा। तो जैसे मैंने क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद जो कि जियो डिजिटल KYC, जियो आधार eKYC दो ऑप्शन है जियो का सिम एक्टिवेशन करने के लिए। तो चलिए मैं जियो डिजिटल KYC पर मैं क्लिक करता हूँ सिम एक्टिवेशन करने के लिए। चलिए मैं क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो देखिए इस तरह से यहाँ पर नोटिफिकेशन जो कि आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कर नोट फेयर फॉर्म डिजिटल eKYC एस एजेंट फोटो इज नॉट रजिस्टर्ड, यानी कि आपका फोटो जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एजेंट फोटो नॉट रजिस्टर्ड लिख रहा है, तो कैसे आप जो कि अपना फोटो रजिस्टर्ड करेंगे, जब अपना फोटो रजिस्टर्ड आप करेंगे तभी आप जो कि सिम एक्टिवेशन कर पाएंगे। तो रजिस्टर्ड करने के लिए चलिए मैं ओके पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ओके पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 3 लाइन पर दोबारा मैं क्लिक करूँगा। जैसे 3 लाइन पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो कि यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर जो देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर एजेंट फोटो, तो यहाँ पर अपना फोटो जो है कि रजिस्टर्ड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि POS एजेंट नाम, आपका नाम दिखेगा POS नाम, तो यहाँ पर आप दोनों में आपका नाम दिखेगा। यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके आपने ID पासवर्ड लिए हैं खुद से, नाम दिखेगा सेलेक्ट POI, तो यहाँ पे अपना एक ID जो कि अटैच करेंगे, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, इलेक्शन कमीशन ID यानी कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई एक ID जो कि यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो जैसे मैं आधार कार्ड अपलोड करूँगा तो चलिए आधार कार्ड को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं आधार कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, आधार कार्ड को अपलोड करूँगा, तो मैंने आधार कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। करने के बाद जो कि यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने कैमरा से लाइव फोटो जो है कि यहाँ पर खींचेंगे, खींच कर अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा जो है कि यहाँ पर ओपन हो जाएगा, लाइव फोटो आपको यहाँ पर खींचना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आधार कार्ड का यहाँ पर फ्रंट साइड का फोटो जो है कि अपलोड करूँगा, तो फ्रंट साइड यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह से क्लियर फोटो आप जो है कि यहाँ पर खींचेगा, जो डिटेल आपका क्लियर दिखना चाहिए, तो क्लियर आप जो कि अपलोड करेंगे तभी यह जो कि सक्सेसफुल जो कि आप रजिस्टर होगा। तो चलिए मैं क्लियर फोटो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये जो है कि इस तरह से यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर देखें यूज दिस फोटो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर जो आपका फोटो क्लियर नहीं है तो रिटेक पर क्लिक करके दोबारा फोटो आप जो है कि यहाँ पर खींच लेंगे। तो चलिए यूज दिस फोटो मैं क्लिक करता हूँ। जैसे यूज दिस फोटो पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा इमेज, यहाँ पर देख रहे हैं प्रोसेसिंग, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। इंतजार करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, सबसे ऊपर आपका जियो पुश प्लस का यहाँ पर जो ID यहाँ पर दिखेगा, उसके बाद जो कि आपका डेट, टाइम, आपका नाम, इस तरह से जो कि आपके फोटो पर रेड कलर में देखेगा, कट पर क्लिक कर देंगे। जैसे कट पर क्लिक किया फोटो इस तरह से आ चुका है। आने के बाद जो है कि यहाँ पे आप जो कि क्लिक करेंगे जो बॉक्स में, बॉक्स में क्लिक करने के बाद जो कि नेक्स्ट का बटन हाईलाइट हो जाएगी, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं बॉक्स पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक किया नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो इस तरह से ऑप्शन जो कि आ चुका है, यहाँ पे फोटो अपना जो कि अपलोड करेगा, लाइव फोटो आपको अपलोड करना है। तो लाइव फोटो अपलोड करने के लिए सबसे यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रंट कैमरा और जो कि बैक कैमरा, तो दोनों कैमरा से आप जो कि जिस कैमरा से चाहते हैं वो जो कि सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं फ्रंट कैमरा यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, चलिए फ्रंट कैमरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्लस का आइकन है, यहाँ पर क्लिक करके आप फोटो अपना जो कि यहाँ पर लाइव फोटो जो कि अपलोड करेंगे। चलिए मैं फ्रंट कैमरा पर मैं क्लिक करूँगा सबसे पहले, यानी कि सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रंट कैमरा। तो देखिए मैंने फ्रंट कैमरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद जो कि प्लस का आइकन मैंने क्लिक किया, इस तरह से देखेंगे जो ग्रीन कलर का जो किनारे किनारे आपको दिख रहा है गोले में, जब आ जाएगा तभी फोटो आप जो कि यहाँ पर कैप्चर कीजिएगा। तो चलिए मैं फोटो कैप्चर कर लिया हूँ, प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। तो इंतजार करेंगे, इस तरह से आपका फोटो पर आपका जियो पुश प्लस का जो ID यहाँ पर दिखेगा, आपका नाम, डेट, टाइम, इस तरह से कुछ डिटेल यहाँ पर देखेगा। कट पर क्लिक करेंगे, चलिए कट पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे कट पर क्लिक करेंगे तो फोटो जो है कि यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया उसके बाद जो कि इस वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे अब फोटो को सेव कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्लीज़ वेट, थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे एजेंट फोटो द स्टर्ड सक्सेसफुल, यह फोटो आपका सक्सेसफुल जो कि हो चुका है, ओके पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आप जो कि बैक आ जाएंगे। आने के बाद जो कि अपना यहाँ पे पासवर्ड इंटर करेंगे, दोबारा लॉगिन करेंगे। चलिए मैं यहाँ पासवर्ड अपना इंटर कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करेंगे और जो कि लॉगिन करेंगे, तो देखिए मैंने पासवर्ड इंटर कर लिया है, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे सक्सेसफुल जो लॉगिन हो जाएंगे। जियो का सिम एक्टिवेशन करने के लिए थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे तो जियो डिजिटल KYC यहाँ पर क्लिक करेंगे अपना सिम एक्टिवेशन करने के लिए। देखिए अभी नोटिफिकेशन वही आ रहा है कि एजेंट फोटो नॉट रजिस्टर्ड, तो अभी क्या करेंगे 24 घंटे तक यहाँ पर इंतजार करेंगे। 24 घंटे के बाद जो है कि यहाँ पर बैक जो है कि आएंगे। चलिए 24 घंटे तक इंतजार कर लेते हैं। जैसे कि 24 घंटे तक इंतजार कर लेंगे जो कि बैक यहाँ पे आ जाएंगे, तो देखिए 24 घंटे के बाद जो कि यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। आने के बाद जो कि जियो डिजिटल KYC यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सिम एक्टिवेशन करने के लिए। तो इस तरह से आप 24 घंटे तक इंतजार कर लीजिएगा, उसके बाद जो कि यहाँ पे आ जाइएगा एप्लीकेशन में सिम एक्टिवेशन करने के लिए। तो चलिए जियो डिजिटल KYC पर मैंने क्लिक किया। जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर सिम एक्टिवेशन करने का ऑप्शन जो कि आ चुका है। तो यहाँ से आप जो कि नया सिम एक्टिवेशन कर पाएंगे, MNP कर पाएंगे, इस तरह से कर पाएंगे। तो अगली वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस तरह से आप सभी जो कि सिम एक्टिवेशन करेंगे, तो अगली वीडियो में दिखाएंगे। अगर दोस्तों आप जियो पुश प्लस का ID पासवर्ड लेना चाहते हैं, तो आप सभी जो कि घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से जियो पुश प्लस का ID बिल्कुल फ्री में ले पाएंगे, एक रुपया भी खर्च नहीं होगा, और जो कि नया सिम एक्टिवेशन कर पाएंगे, मोबाइल रिचार्ज कर पाएंगे। तो कैसे जियो पुश प्लस का ID पासवर्ड लेना है, उस पर जो कि मैंने वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उस वीडियो का लिंक जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उस वीडियो को देखिए, देखकर आप सभी जो कि जियो पुश प्लस का ID पासवर्ड जो कि ले पाएंगे, तो बिल्कुल जियो के फ्री में आप जो कि ले पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।